हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लिटिल डिज़ायर पे। और ये है, देखिए हमारे घर के बाहर एक गार्डन है, छोटी सी क्यारी, उसका व्यू शाम के टाइम कुछ ऐसा है। मैंने इसमें छोटे छोटे काफ़ी प्लांट लगाए हुए हैं। ये प्लांटर्स में थे सारे प्लांट, बट मैंने इनको उस प्लांटर में से निकाल के उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, यहाँ जगह थी तो मैंने यहाँ लगवा दिए हैं ये सारे। देखिए सारे छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, इतना जब प्लांटर में लगा हुआ था ये, इतना फूल नहीं आता था इस पर, इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती थी। अब देखिए इस पर एक एक पे चार चार पांच पांच फूल आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए, और ये है मेरी करेले की एक बेल, ये ऐसे ही उगाई है। एक्चुअली वो पके हुए करेले मेरे पक गई थी करेले, तो मैंने उसका बीज ऐसे ही डाल दिया था, तो ये अपने आप ही निकल आई है। और इस पे अभी छोटी छोटी फ्लावरिंग हो रही है, छोटे छोटे करेले आ रहे हैं, जब ग्रोथ होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरे कड़ी पत्ते का प्लांट, देखो कितना बड़ा हो गया है। इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं, इसीलिए मैंने इसको री प्लांट नहीं करा है, अभी इसको मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगी इसमें। ये देखिए एक छोटा सा है ना, ये इनडोर प्लांट है एक, ये मैंने ऐसी एक इसकी डंडी लगा दी थी, उससे ये हो रहा है। इसको भी मैं अंदर लगाऊंगी इसको निकाल करके। और ये है हमारी तुलसा जी। तो देखिए ये हमारे छोटे से गार्डन, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है ये पनीर पराठा और मक्खन। ये देखिए कितना अच्छा बना है पराठा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल लिटिल डिज़ायर को, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे पास ये लगभग 200 ग्राम पनीर है, और मैंने यहाँ थोड़ा सा एक बाइट लिया है लगभग 100 ग्राम के आसपास, क्योंकि मुझे यहाँ दो से तीन पराठे बनाने हैं, तो मैं उतना ही ग्रेट करूँगी इसको, मैं एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। इससे क्या होगा, पराठे बनाते में कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, ईजीली ग्रेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है पूरा, और काफ़ी सारा हो गया था, ये दो से तीन पराठे इसमें आराम से बन गए थे। और यहाँ मैंने लिए है छोटी छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, और बहुत थोड़ा सा अदरक, बहुत ज़्यादा अदरक नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा, बस इसको मिक्स देना है। और इसमें जाएंगे वही जो नॉर्मल रूटीन मसाले होते हैं हम लोगों के, वो थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, लगभग एक चौथाई लाल मिर्ची पाउडर, और एक चौथाई मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है, और थोड़ा सा खटाई जो आमचूर पाउडर आप बोलते हैं जिसको, वो, और उसको डाल करके मैं मिक्स कर दूंगी। और बस ये हमारा जो उसमें फिल करने वाला जो मिक्सचर है वो रेडी है पनीर का। और मैं एक आपको दिखाने जा रही हूँ ये मक्खन की रेसिपी। यहाँ मैंने ये फ्रेश क्रीम लिया, मलाई है, आई मीन ये लगभग 1.5 किलो दूध की मलाई है, और एकदम फ्रीजी है, एकदम ठंडी है। मैंने इसको एक मिक्सर जार में डाला है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मक्खन जो होता है थोड़ा सा सॉल्टी होता है, स्वीट एंड सॉल्टी। ये देखिए, और बस एक बार मिक्सी को घुमाना है और हमारा मक्खन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया है इसका, बहुत अच्छा। मार्केट वाले जो बटर होता है उससे भी टेस्टी लगता है, एक तो फ्रेश होता है और ऊपर से घर का बना होता है तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए कितना अच्छा बटर बन गया, ये हमारा बन करके तैयार है, और काफ़ी सारा बन जाता है बहुत जल्दी, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का और टाइम का भी काम नहीं है, बस ब्लेंड करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो मलाई है आपकी वो अच्छे से ठंडी हो काफ़ी, अगर आपके पास ठंडा नहीं है तो आप दूध पे से मलाई उतार करके 10-15 मिनट के लिए अगर आप फ्रिज में रख देंगे तब भी ये इस तरीके का बन जाएगा। आप ये वाला ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी होता है खाने में। अब मैं यहाँ कर लेती हूँ अपने पराठे बनाने के लिए, जो मैं डो तैयार कर रही हूँ उसकी प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ लगभग एक कटोरी आटा लिया है, और यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ जाएगा एक छोटा सा रिफाइंड ऑयल, छोटा चम्मच, सॉरी। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए, जैसे आप नॉर्मल रोटी का पराठे का आटा बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे, बस आटा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरा लगभग आधा गिलास मेरा पानी लग गया था एक कटोरी आटे में,
देखिए मैंने इसको बन, मेरा ये जो आटा था ये बन करके तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के, किसी भी आटे को बनाने के बाद थोड़ा सा रखने से थोड़ा और अच्छा हो जाता है, एकदम चिकना चिकना सा, इसको रख दूँगी। और ये घर का ही आटा है, बिल्कुल मोटा वाला, ये कोई मील का आटा या कोई पैकेट वाला नहीं है, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और मैंने यहाँ इसकी एक लोई ली है, जो आटे का जो पेड़ा होता है, अब मैं उसको बेल रही हूँ। मैं यहाँ पे जो बनाऊँगी, एक स्क्वायर पराठा बनाया है मैंने, बस मैंने एक बड़ा सा बेला है रोटी की फॉर्म में, और अब मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, मैंने यहाँ एवरेज फिलिंग करी है इसमें। ये देखिए पहले दोनों तरफ से बीच से फोल्ड किया और फिर इधर और उधर से साइड से फोल्ड कर दिया, और ये देखिए इस तरीके का बन के तैयार है। बस आप, मैंने यहाँ ये आटा लगा करके इसको बड़ा किया है, आप चाहें तो घी या तेल लगा कर भी इसको बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये स्क्वायर पराठा बनाया है और एक ये राउंड। अब मैं इसको, मैंने एक तवे पे छोटा थोड़ा सा घी लगा करके इसको डाल लिया, और दोनों तरफ थोड़ा हल्का सा सिकने के बाद ही मैं घी लगा दूंगी। इससे क्या होता है ना, जब आप इसी स्टेज पे जब घी लगा देते हैं तो पराठा आपका कलर बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सॉफ्ट भी बनता है। थोड़ा सिकने के बाद, ज़्यादा पकने के बाद जब आप लगाते हैं तब थोड़ा सा खाने में टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है पराठे के। बनता है ऐसा ही है, बट कलर इतना अच्छा नहीं आता है। अगर आप हल्के कच्चे में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। वो जो आपका, जो भी आप ऑयल लगा रहे हैं वो अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाता है, बस ये एक रीज़न है। ये देखिए मेरा कितना अच्छा पराठा बना है, बन करके तैयार है। बस मैंने इसको सर्व किया है, जो मैंने फ्रेश मक्खन बनाया है और धनिए की चटनी के साथ थोड़ा सा अचार। अगर फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं।